शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे तू क्या काम वाम के चक्कर में पड़ गया यार, अरे चलना अपने हरी सिंह के साथ बैठते हैं, पत्ते पत्ते खेलते हैं, मजा करते हैं। चलना यार सही में, चल चल। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? एक रुपए पॉइंट पे गेम हो रहा है तेरे पत्ते बांटू। बकवास बंद कर, ये फैक्ट्री है ये जुआ खाना? हमारे लिए तो दोनों ही है, अंदर आ गया तो फैक्ट्री और पत्ता बढ़ गया तो जुए का अड्डा। यानी कि ये फैक्ट्री तुम्हें जुआ खेलने के लिए तनख्वाह देती है? पैक तनख्वाह तो देनी पड़ेगी क्योंकि फैक्ट्री चलाते हैं मजदूर, मजदूरों की होती है यूनियन, और मैं हूं उस यूनियन का लीडर। तो यूनियन लीडर क्या फैक्ट्री में काम नहीं करते? चलो बॉटल ये तामझाम उठा और चलो यहां से। ए, हमको हुक्म देने वाला तू कौन होता है? तू मत बोल, आप बोल। तेरी यार। हरी सिंह एक मिनट अजय प्लीज मुझे बात करने दो प्लीज। हरी सिंह कैसी बात कर रहे हो, ये हमारे छोटे मालिक। अरे छोटा मालिक होगा अपने घर पे, यहाँ पे मजदूर हूँ मैं, उसका सीनियर हूँ। वो बात सही है लेकिन हरी सिंह देखो फैक्ट्री में जुआ देख कर किसी के भी दिल को आग लग सकती है ना। अच्छा दिल में आग लग रही है तो जाकर सुपरवाइजर को बताना, वो जो कहेगा हम वो करेंगे। आजकल वो पुराना जमाना नहीं है कि छोटे नवाब बोल लेंगे और हम सब लोग गुलामों की तरह सर झुका के बैठे रहेंगे। नहीं, तो जैसे काम चोरों की तो मैं मुंह तोड़ दूंगा, समझे ना? अजय प्लीज तू जानता नहीं मुझे। अरे खड़ा क्यों है? क्या मुंह तोड़? एक मिनट अजय प्लीज, एक मिनट। हरी सिंह देखो बात को यही रफा दफा कर। अरे बात रफा दफा नहीं होने वाली, आज यहाँ पर फैसला होने वाला है और तू बीच में मत पड़ियो। I'm sorry, हरी सिंह मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तुम समझते क्या हो, तुम यूनियन लीडर हो, इसका मतलब सब लोग तुम्हारे तलवे चाटेंगे। अबे साले तू घर जमाई क्या बन गया, अपने आप को इस फैक्ट्री का मालिक समझ बैठा। साले हरी अजय रुक जाओ प्लीज फैक्ट्री सीखने के लिए भेजा था, सिखाने के लिए नहीं। पापा कोई भी कंसर्न अपने वर्करों को सैलरी काम करने के लिए देती है, ना कि जुआ खेलने के लिए। ये तुम्हारे सिद्धांत हो सकते हैं अजय, लेकिन उन्हें दूसरों पर लादने के लिए तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो फिर चार आदमी क्यों, पूरी कंपनी को जुआ खेलने की इजाजत दे दीजिए। अजय सिरान हमारे यहां चार आदमियों के चक्रव्यूह में फंसकर 4,000 वर्कर काम करते हैं। वर्कर्स के दिमाग में यह भर दिया जाता है कि यूनियन के लोग ही उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं और उनकी भलाई कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक इस यूनियन ने वर्कर्स को भूखमरी, बेरोजगारी और चोरी चपाटी के अलावा कुछ नहीं दिया। भेड़ों के झुंड को कभी देखा तुमने? उन्हें एक जगह इकट्ठा करने के लिए 4 कुत्ते रखने पड़ते हैं। मिस्टर अजय कपूर ये जो हैं, ये वही हैं। यानी कि आपको इन सब चीजों के बारे में पता था? जी हाँ।
और ये देखते हुए जानते हुए हमें इसे अनदेखा करना पड़ता है। 25 सालों में आज तक इस फैक्ट्री में कभी स्ट्राइक नहीं हुई और इसकी वजह यह है कि मैं यूनियन को अपने जूते की नोक पर रखता हूं। हरी सिंह ने जब राजेश पर हमला किया तो इसने वापस उसे नहीं मारा क्योंकि यह जानता है कि यह फैक्ट्री के हित में नहीं होता, लेकिन तुम अपनी जवानी के जोश में होश खो बैठे। देखो अजय, मैं बिजनेस कम्युनिटी में एक मजाक बनकर नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त उस यूनियन लीडर के पास जाकर उससे माफी मांगो। ठीक है पापा। अरे मजदूरों के लिए मार भी खा सकता है हरी सिंह, लेकिन मजदूरों को दबने नहीं देगा। गुलाम थोड़ी है। आई एम सॉरी। अंग्रेजी में कुछ बोला दिखे है, पर मने तो अंग्रेजी आती नहीं। अंग्रेजी आती होती तो वर्कर क्यों होते, मैनेजर होते। तो भाई अभी जो बात आपने अंग्रेजी में बोली, अब उसी बात को आप हमारे लिए हिंदी में बोल दो। बोलो बोलो। अरे बोल दो, शर्मा क्यों रहे हो? मुझे माफ कर दो। क्या बोला भाई, सुनाई दिया किसी को? अरे कल तो बड़ा चौड़ा होके सबके सामने तूने मारी शर्ट पाड़ दी, मारी बनियान पाड़ दी, मने नंगा कर दिया। तो आज छोटे नवाब छोटी आवाज में क्यों बोल रहे हो? अरे उच्ची आवाज में बोल। अरे चल बोल ना सबके सामने। मैंने कल इन पर हाथ उठाया, ये मेरी गलती थी, इसलिए मैं इनसे क्षमा मांगता हूं। पापा जी, आज आपका हुक्म मानकर जिंदगी में पहली बार मैंने गलत आदमी के सामने अपना सर झुकाया है। देखो, इसमें गलती तुम्हारी थी, फिर अपनी गलती पर माफी मांगने में तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। पापा, मैं जो अंदर घुटन महसूस कर रहा हूं, अंदर ही अंदर जल रहा हूं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। माना कि आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है, लेकिन आपके सोचने का और मेरे समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। उसमें एक पीढ़ी का अंतर आ चुका है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस मैं अपने आप ही शुरू करूंगा। और मैं जो बिजनेस करना चाहता हूं उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, एजुकेशन की जरूरत होती है। एंड पापा, आई एम अ हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड पर्सन। बट यू आर आल्सो क्वाइट इनकैपेबल ऑफ रनिंग योर ओन बिजनेस। कंपनी चलाने के लिए कहाँ है तुम्हें काबिलियत? देखो बेटे, नदी के किनारे बैठ करके तैरा नहीं जाता। अच्छा क्या है बुरा क्या है, बिजनेस में कौन सही है कौन गलत है, ये जाने बगैर बिजनेस नहीं होता। डुबो दोगे कंपनी को तुम। लेकिन पापा, आईटी बिजनेस में जाहिलों की जरूरत नहीं होती, पढ़े लिखे इंसान और काबिल इंसानों की जरूरत होती है। ओ, तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? पढ़े लिखे काबिल इंसान जो है वो यूनियंस के साथ काम नहीं करते, उनके साथ तो आजकल बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी लगे हुए हैं। उसका भी हल है मेरे पास, अमेरिकन वे, हायर एंड फायर रूल। नो, ये वक्त इसके साथ ज्यादती होगी। और मेरे साथ जो ज्यादती हुई वो आपने नहीं देखी? पापा, आप यूनियन के साथ मिलकर वर्करों को कंट्रोल करना चाहते हैं और मैं वर्करों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता हूं। शायद यही फर्क है आपकी और मेरी सोच में। ये फर्क नहीं है बेटे, हम दोनों के देखने का नजरिया जो है वो अलग अलग है। मैं समझता हूं कि अनुभव जरूरी, तुम समझते हो कि एजुकेशन जरूरी, ये दोनों नजरिए मिल नहीं सकते।
न पहले कभी मिले थे न भविष्य में कभी मिलेंगे। इसका मतलब मैं ये उम्मीद छोड़ दूं कि आप मेरे बिजनेस में मेरी मदद करेंगे। जीजाजी, जीजाजी कहाँ हैं आप? जीजाजी हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, हम बर्बाद हो गए। जीजाजी लोग आपके नाम पर थूक रहे हैं। मामा जी सर बहुत बिजी हैं, क्या बात है मुझे बताइए। राजेश, अजय ने हमें कहीं का नहीं रखा। ये अखबार पढ़ो, पूरी मार्केट हम लोगों पर हंस रही है। ओह माय गॉड, मामा जी ये बात सर के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये क्या मशीन रिजर्व बना रखा है? इसी में घर की भलाई है। क्या बात है जीजाजी? अब मामा जी बोलने के लिए रखा ही क्या है? ये अखबार देखिए, ये देखिए अजय ने क्या किया है। देखिए अजय ने बाजार से हुंडी साइन करके पैसे उठाए। क्या ये सब? कितने रुपए चाहिए तुम्हें? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ और चाहिए? 100 करोड़ रुपए चाहिए? ये लो चेकबुक, लिखो इस पर रकम और ले जाओ। लेकिन दोबारा बाजार से रुपए उठाने की गलती कभी मत करना। चाहिए आज ये पैसे आप इसलिए दे रहे हैं ताकि बाजार में आपकी इज्जत बनी रहे, आपका नाम बना रहे। अपने बेटे से ज्यादा आपको अपने रुतबे से प्यार है, उसकी फिक्र ज्यादा करते हैं आप। और वैसे भी नफरत से फेंके हुए पैसे तो मैं जिंदगी में किसी से ना लूं। पापा ये चेकबुक वापस ले लीजिए। ठीक है अजय, बाप का नाम तो तुमने वैसे ही बाजार में उछाल रखा है, कल अगर तुम उसे गिरवी भी रख दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अजय देखो सर को बहुत दुख पहुंचा है, मैं तुम्हें यह सब इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं। सर के दिए हुए पैसे कबूल कर लो प्लीज। राजेश जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। अजय अजय वो हुंडिया तुम मुझे दे दो, मैं उन्हें मार्केट में वापस लौटा देता हूं। और वैसे भी घर के पैसे अपने बिजनेस में लगाने में कौन सी शर्म है? राजेश जस्ट लीव मी। अजय घर के पैसों पर ब्याज नहीं लगता, नफा नुकसान ये सब चीजें घर पे ही पड़ी रहती हैं, बाहर वालों को बात करने का मौका नहीं मिलता। राजेश बस नो, अकेला छोड़ दो मुझे। नो नो अजय, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम सर की बात मान लो प्लीज। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर, चले जाओ यहां से।